बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं इसकी आपको डिफिनेशन बताऊंगा तथा इसके एग्जांपल बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप दबा दें। तो आइए देखते हैं ये क्या है। देखिए हमारा पहला है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है, देखिए वह अपक्रिया, ये अपक्रिया देखिए वह अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ऐसी अपक्रिया मतलब जिसमें ऊर्जा निकलती है, क्या होती है, ऊर्जा निकलती है या फिर निर्मुक्त होती है, वह अपक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 गिव्स CO2+90 किलो कैलोरी। मतलब देखिए यहाँ पर ये तो CO2 तक सही है, उसके बाद देखिए क्या है 90 किलो कैलोरी यहाँ पर प्लस में है, मतलब निकल इसमें निर्मुक्त हो रहा है 90 किलो कैलोरी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसी के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए इसके बाद है हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें जिसमें ऊर्जा का अवशोषण हो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें यहाँ पर जो प्लस था यहाँ पर माइनस आएगा। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इसका एग्जांपल है N2+O2 गिव्स 2NO -45 किलो कैलोरी। अब देखिए यहाँ पर तो N2+O2 गिव्स हो गया 2NO, यहाँ पर देखिए जो -45 किलो कैलोरी आ गया, इससे आपको पता लग रहा है कि इसमें जब 45 किलो कैलोरी माइनस हो रही है तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको करना है। ये बताइए कि श्वसन में कौन सी अभिक्रिया, देखिए फ्रेंड्स श्वसन में कौन सी अपक्रिया होती है, तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आप बताइए कि मुझे कमेंट बॉक्स में जिसका राइट रहेगा मैं उसको रिप्लाई दूंगा। देखिए श्वसन में कौन सी अपक्रिया होती है, तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, आप इसको बता दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यार रही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको आप यार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं तो वे भी अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ और इसको समझ पाएँ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।